ओके ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो अगर SN1 का स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग कब चेक करेंगे, कब किस केस में चेक करना है, कब नहीं करना है, उसका एकदम सिंपल सा तरीका आप लोगों को बताते हैं। कभी भी कोई भी अगर सबस्ट्रेट दिया हुआ और अगर वो सबस्ट्रेट मैं कायरल सेंटर अगर आ रहा हो, जैसे यहाँ पे देखो कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, ठीक है, हमारा चारों क्या है डिफरेंट ग्रुप है, तो अगर कायरल सेंटर होगा तो उस केस में जरूर एक बार स्टीरियो केमिस्ट्री आप लोग एक बार चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे कायरल सेंटर था, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद ये दो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब दोनों प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है इसको अच्छे से समझना। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल उस जगह पे अटैच है, ठीक है, जहाँ से लिविंग ग्रुप अटैच है, देखो ध्यान से, लिविंग ग्रुप डैश पे अटैच है, न्यूक्लियोफाइल भी उसी पे अटैच है। दूसरा पॉसिबिलिटी में बिल्कुल अपोजिट होगा, लिविंग ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट देखो वो अटैच है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट का केसेस कब कब अपियर होता है, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसी सबस्ट्रेट का, सबस्ट्रेट में सबसे पहले एक्स लीव किया, ठीक है, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऊपर इस तरह से लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब अभी इसका स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल, और ये पर्टिकुलर जो कार्बन होगा ये कायरल सेंटर होगा। ये जैसे जैसे ये लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा वैसे वैसे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रहा होगा और ये इस तरह से प्लानर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझेंगे, जैसे ये जैसे से लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर रहा है, इस पर्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है sp2, तो ये इस तरह से प्लेन में आ गया, ठीक है। अब जब ये प्लेन पे आ गया तो हमारे पास ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसका दो पॉसिबिलिटी अटैक करने का, या तो ये इस तरह से फ्रंट साइड पे से कर सकता है या तो ये बैक साइड से कर सकता है। तो अगर मान लेते हैं ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये उसी साइड से आ रहा है अटैक करने के लिए जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकला था, ध्यान दीजिएगा लिविंग ग्रुप जो था वो अभी यहां से लीव कर रहा था, ठीक है, और हमने, ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल है उस न्यूक्लियोफाइल को किधर से अटैक कराया, उसी साइड से अटैक करा दिया जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव किया था। और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, जस्ट इसके अपोजिट। तो आप ये सोचो कि जब मान लो न्यूक्लियोफाइल इस तरह से ऊपर से अटैक कर रहा होगा तो ये वापस क्या बन गया, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर, और जब ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा होगा जिधर से लिविंग ग्रुप निकला होगा उसके जस्ट अपोजिट से, तो अगर मान लो ये पीछे से इस तरह से अटैक कर रहा होगा तो ये इस टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है। तो दो अलग अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, एक स्ट्रक्चर ये तो न्यूक्लियोफाइल डैश पे अटैच है और लिविंग ग्रुप डैश पे अटैच है, मतलब ये कौन सा केस होगा, ये वो केस है जब न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से अटैक कर रहा है जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये डैश पे और ये वेज पे है, मतलब न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अटैक किया है, ठीक है, जिसके अपोजिट साइड से लिविंग ग्रुप लीव किया है लैटिस को, ठीक है, या उसके कार्बन के साइड को हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अब उसी चीज़ को हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके स्ट्रक्चर बना रखा है। जैसे ध्यान दो, ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया, स्लो स्टेप में इसने एक्स को लीव करवाया, जैसे लीव किया तो ये कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन बनने का मतलब होता है प्लानर स्ट्रक्चर, ये प्लानर स्ट्रक्चर बन रखा है यहाँ पे। अब देखो न्यूक्लियोफाइल के पास दो पॉसिबिलिटी है, अटैक उस साइड से करेगा जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव किया है, या अटैक उस साइड से करेगा जिस साइड से लिविंग ग्रुप जस्ट उसके अपोजिट साइड से लीव किया हो गया होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये दोनों पे अटैक किया, एक बार इस पे एक बार इस पे, तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बन गया। तो अब दोनों प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे अलग अलग नाम दे रहे हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझना। एक प्रोडक्ट को हमने नाम दिया रिटेंशन और एक प्रोडक्ट को नाम दिया है इन्वर्जन। तो रिटेंशन कब बन रहा होगा और इन्वर्जन कब बन रहा होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट तब बनेगा, ठीक है, जब लिविंग ग्रुप जिस साइड से लीव कर रहा होगा उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा। और इन्वर्जन प्रोडक्ट कब बनेगा, जस्ट उसके अपोजिट साइड से जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा। अब ये सोचो कार्बोकैटायन तो प्लानर होता है, अगर ये प्लानर है तो न्यूक्लियोफाइल के पास दो पॉसिबिलिटी है। सो अगर इसके पास दो पॉसिबिलिटी है अटैक करने का, सो देयर विल बी अ चांसेस ऑफ 50-50% अटैक करने का कि वो फ्रंट साइड से भी कर सकता है और बैक साइड से भी। तो अगर 50-50% चांसेस की अगर हम लोग बात करें तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों 50% बनेगा, और दोनों को हम ध्यान से देखेंगे तो एक दूसरे का दोनों इनैंशियमर है, और इनैंशियमर है तो इसलिए हम इस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। मतलब कि क्या समझ में आता है कि अगर कभी भी कोई कायरल सेंटर अगर कहीं पर जनरेट हो रहा होगा और अगर उसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा तो वहां पर जरूर रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होगा, ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे। अगर प्लानर इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर होगा तब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे दो केसेस है, ठीक है, रिटेंशन का भी बन सकता है और इन्वर्जन का भी चांसेस बन सकता है, दोनों 50%। तो इसलिए हमने लिखा कि जनरली इन केस ऑफ कायरल सेंटर रेसमिक मिक्सचर इज ऑब्टेंड। अब इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझे कि यहाँ पर एक हमने वर्ड डाल दिया है जनरली। अब अगर जनरली घुस गया मतलब केमिस्ट्री में जनरली मतलब एक्सेप्शन, ठीक है, तो अब ये एक्सेप्शन नहीं है, इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझेंगे। पहले आप इसको लिख लेंगे उसके बाद अभी अच्छे से समझते हैं इसको।
ठीक है, अब जैसे कि हमने अभी तुरंत कहा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है SN1 मैकेनिज्म में, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने ये कहा कि 50% रिटेंशन बनना चाहिए था, 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनना चाहिए था, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो इन्वर्जन प्रोडक्ट है ठीक है वो ज़्यादा बन रहे हैं देन रिटेंशन प्रोडक्ट। तो इसका क्या लॉजिक होगा? अब ये सोचो कि न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसे समझ, इतना भी समझदार तो नहीं होगा कि भाई न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है कि हाँ ठीक है कार्बोकेटायन बन जाओ उसके बाद हम आएंगे अटैक करेंगे, ऐसा कुछ हिसाब तो होगा नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो मतलब ये कि लिविंग ग्रुप जो है, न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढना। ठीक है, तो वो अभी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ये निकलेगा, ये प्लानर होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। लेकिन अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैठा हुआ है नहीं आराम से, वो क्या कर रहा है, अभी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढ रहा है उस सॉल्वेंट में। अब ढूंढ रहा है, उसको मिल गया। अब मिल गया तो ये सोचो इस साइड से तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि इसका नेचर खुद नेगेटिव है। अगर ये लीव कर रहा है लैटिस को तो ये नेगेटिव के फॉर्म में लीव कर रहा है, तो अगर ये खुद नेगेटिव है तो कभी भी क्या न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक कर पाएगा? कभी नहीं अटैक कर पाएगा। इसलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, वो किस साइड से अटैक कर सकता है? अभी बैक साइड से। कब बैक साइड से अटैक कर रहा है? जब ये लिविंग ग्रुप अभी लीव नहीं किया हुआ है। जब ये लीव कर जा रहा था तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं से भी अटैक कर सकता था। लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो शांत से बैठने वाला इंसान है नहीं, तो वो जाकर कुछ ना कुछ वहाँ पर ठीक है बोल सकते हैं कि परेशानियाँ तुम्हारा करेगा। तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि जो कार्बोकेटायन दिख रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये खट से जा रहा है, खट से जाकर उस पर अटैक करना शुरू कर दे रहा है, बट किस साइड से? बैक साइड से। तो जैसे जैसे बैक साइड से अटैक करेगा, तो हमने तो कहा था कि भाई अगर बैक साइड से अटैक होगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो इन्वर्जन टाइप बनेगा। तो मतलब ये कि कुछ न्यूक्लियोफिलिक अटैक बिफोर बॉन्ड क्लीवेज ऑफ CX हो चुका होगा, ठीक है, जिसके कारण कुछ इन्वर्जन प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद जब ये लीव कर जा रहा होगा तब बनने के, जब ये लीव कर जा रहा होगा तब फिर से 50-50% रेसिमिक और 50% इन्वर्जन। यानी कि तुम्हारा क्या एक्चुअल में हो रहा होगा इस चीज़ को समझो। देखो, सबसे पहले हमने ये कहा कि मान लो कि हमने एक यहाँ पर रिएजेंट लिया हुआ है, ठीक है, कायरल सेंटर दिख रहा है यहाँ पे, एक CH3 है, H है, CD3Br है, मतलब ये कायरल सेंटर है। अब यहाँ से Br लीव कर गया, तो देखो सबसे पहले 10% हमने अज्यूम किया हुआ है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक बिफोर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, यानी कार्बोकेटायन बनने से पहले ही 10% अटैक बन चुका है। तो मतलब कितना भी इन्वर्जन बना, 10% इन्वर्जन बन चुका, ठीक है। अब तुम ये सोचो 90% कार्बोकेटायन पहले बना, ठीक है, 90% कार्बोकेटायन बन गया पहले, अब क्या हो रहा है कि उसका रेसिमाइजेशन हो रहा है, मतलब 45% रिटेंशन बना होगा, 45% क्या बना होगा, इन्वर्जन। तो ये 45% रिटेंशन बन गया, 45% क्या बन गया, इन्वर्जन बन गया, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ को समझो कि 45% रिटेंशन, 45% इन्वर्जन, तो नेट इन्वर्जन कितना बन गया, 10% तो पहले से बन रखा था, तो यानी कि 45+10 यानी कि 55% इन्वर्जन बन गया, और हमने कहा 45% क्या बन गया, रिटेंशन। देखो कार्बोकेटायन बनने के बाद तो रेसिमाइजेशन होगा, ये बात तो पक्का है, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी कुछ न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जा रहा होगा जो कि इन्वर्जन प्रोडक्ट ही फॉर्म कर रहा होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो नेट तुम्हारा इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा होगा देन रिटेंशन प्रोडक्ट। तो एक्सपेरिमेंटली ये है, ठीक है। तो इन जनरल इसलिए हमने कहा था कि रेसिमाइजेशन होता है, तो रेसिमाइजेशन किनका होगा, जो तुम्हारा ऑलरेडी फॉर्म कार्बोकेटायन हो चुका होगा उसका रिटेंशन का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ठीक है इन्वर्जन का, तो कुछ इन्वर्जन का प्रोडक्ट बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बन चुका होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। तो ये हमारा जो दूसरा लेक्चर था SN1 का, ये लास्ट लेक्चर था SN1 का, स्टीरियो केमिस्ट्री पे बेस्ड हो गया। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने SN1 के बारे में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें सारा डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे SN2 रिएक्शन के साथ। ओके, थैंक यू।